देखिए दोस्तों, मैं स्विच को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। स्विच के अंदर करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ। मैं इसे निकाल के और ये ग्राइंडर मशीन चला के दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें आवाज़ आ रही है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं दोबारा तार निकाल के दोबारा वायर लगा के चेक करा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इसमें लाइट नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों, ये स्पा कंपनी का स्विच है और इसे लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये देखिए, इसमें वायरिंग का सिस्टम। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इसे लगाना। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले यूनियन का साइज आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 इंची का यूनियन है और सबसे पहले अपन वाल बंद करेंगे दोस्तों। वाल बंद करने के बाद ये एक यूनियन को यहाँ से खोल लेंगे, उसके बाद में अपन दूसरी यूनियन को खोल लेंगे और इस तरह से दोनों यूनियन को खोल के प्रेशर पंप को हटा लेना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये जो 1 इंची वाला पाइप है आउटलेट का, उसे खोल लूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और मैंने ये जो पाइप खोल लिया है, अब उसके बाद में मैं प्रेशर पंप स्विच को खोल लूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप इस तरह से इसको खोल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इसको हटा के, तो दोस्तों इस स्विच को हटाने के बाद में मैं एक बार आपको मोटर चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं ये स्विच और ये लाल वाला जो कैप दिख रहा है उसे खोल लेते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसे मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं उसके बाद आगे वाले हिस्से पे टेफ्लॉन टेप लगाऊँगा दोस्तों। टेफ्लॉन टेप लगा रहा हूँ मैं। इसको लगाने के बाद 4-5 राउंड घुमाना है दोस्तों। ये देखिए, अब उसको वहाँ पे कस लेना है ऊपर वाले साइड में। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे कस रहा हूँ, ये मैं कस लिया हूँ दोस्तों। अब मैं जो ऊपर वाला पाइप था आउटलेट का, उसे भी कस रहा हूँ दोस्तों। उस पर भी टेफ्लॉन टेप लगा के कसना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, टेफ्लॉन टेप लगा के और इसे हल्के हाथ से कसना है दोस्तों, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है दोस्तों और इसे नॉर्मल तरीके से ही कसना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसका वायरिंग का करूँगा दोस्तों। ये बॉक्स खोल लेना है यहाँ से दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स खोल लिया। ये जो बटन है, पुश बटन है दोस्तों, मैं इसमें मोटर वाला वायर डालूँगा, इनलेट वाला, और जो ये रेड वाला तार है मैं उसे फेस में दे दूँगा दोस्तों। ये फेस में कस रहा हूँ मैं इसे, और ये जो नीला वाला वायर है उसे मैं न्यूट्रल में दे दूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, न्यूट्रल में देने के बाद में ये लाल वाला जो तार है, 3 तार लूँगा दोस्तों। 3 तार को मल के और इधर से डाल लूँगा मैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने एक तार डाल लिया है, ये दूसरा वाला डाल लिया है दोस्तों, और ये तीसरा वायर भी मैंने डाल लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैं नटों को ढीला कर लूँगा दोस्तों, 3 नट को मैं ढीला कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो एक वायर है ये मैं फेस में जोड़ूँगा दोस्तों। ये वाला वायर मैं फेस में कस रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, और दूसरा जो वायर है मैं न्यूट्रल में जोड़ूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे न्यूट्रल के अंदर जोड़ लेता हूँ दोस्तों, इसे कस देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और ये जो तीसरा मैं वायर ले रहा हूँ दोस्तों, इसे मैं जोड़ूंगा अर्थिंग के अंदर दोस्तों। ये दोस्तों, ये तीसरा जो वायर है बीच वाला, वो अर्थिंग का है दोस्तों। इसे करके मैं तीनों वायर को ऐसे टाइट करके ऐसे दोस्तों कस देऊंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं इसे कस रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसे इसे बड़ी आसानी से कस लेना है दोस्तों। चारों नटों को टाइट कर दूंगा दोस्तों, उसके बाद में इसका कनेक्शन करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वायर ले रहा हूँ और तीनों को मल रहा हूँ,
और ये नीले वाले कवर के अंदर डाल लूँगा दोस्तों। उसके बाद में मैं प्लग लूँगा, प्लग के अंदर नट खोल के प्लग के अंदर वायर डाल लूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं अर्थिंग, इस तरीके से दोस्तों मैंने जैसे न्यूट्रल में न्यूट्रल वायर वाला वायर जोड़ा था, उसी तरीके से मैं इस स्विच में न्यूट्रल वाला वायर जोड़ लूँगा और फेस में फेस वाला वायर जोड़ लूँगा दोस्तों। ये मैंने दोनों तरह, ये अर्थिंग का वायर है, इसको मैं अर्थिंग के अंदर जोड़ूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जोड़ के कस लिया है, न्यूट्रल में न्यूट्रल वाला जोड़ लिया है और फेस में फेस वाला जोड़ लिया है। अब मैं इसे लगा के दिखाऊँगा आपको दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से यूनियन को कसना है दोस्तों, और यहाँ पे दोनों यूनियन को वॉशर लगा के कस लेता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसे आराम से कस लेना है। यहाँ से मैं इसको रिंच से टाइट कर दूँगा और दूसरा वाला यूनियन को भी रिंच से टाइट कर दूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको कसने के बाद मैं दोस्तों वॉल को ऑन ऑफ करूँगा। ये देखिए, दोनों वॉल को खोल के मैं वायर लगाऊंगा दोस्तों। वायर लगा के आपको चेक कराऊंगा कि स्विच ठीक से लग गया है या नहीं। लाइन को देख लीजिए, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंप चल चुका।